गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ। टुडे डेट इज 8/5/2020, डे फ्राइडे। लेट्स स्टार्ट रोमन न्यूमरल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोमन न्यूमरल्स। ओके स्टूडेंट्स, लुक सी, रोमन न्यूमरल्स वेयर डेवलप्ड बाय द रोमन्स मैनी ईयर्स एगो। रोमन्स नंबर्स जो हैं कब विकसित हुए थे? रोमन्स जो थे उनके मैनी ईयर्स मतलब कई साल एगो माने पहले। ओके, रोमन द रोमन्स यूज्ड ओनली 7 सिंबल टू फ्रॉम नंबर्स। जो रोमन थे उन्होंने 7 डिजिट का 7 सिंबल्स बनाए हुए थे नंबर्स लिखने के, इसी से पूरी रोमन न्यूमरल्स बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर सिंबल्स बनाए हुए हैं रोमन न्यूमरल्स और वैल्यू इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। देखिए रोमन न्यूमरल्स में जो आई बनता है वो किसको डिनोट करता है? 1 को, वी 5 को, एक्स 10 को, एल 50 को डिनोट करता है, सी 100 को, डी 500 को और M 1000 को। ओके स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आपको V दे रहा है तो आपको उसकी मीन क्या समझना है? सिंबल 5 है, उसकी जगह क्या रखना है? 5 है। अगर D दिए है तो 500। ओके स्टूडेंट्स, कुछ मैंने रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं आपको और आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक सी 1 to 50 रोमन न्यूमरल्स। देखिए यहाँ मैंने काउंटिंग लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको 10 तक आ गई तो आप लोग ऑलरेडी सारी कर लेंगे। कैसे? मैंने बताया था कि आई से किसको डिनोट करते हैं? 1 को। जब 2 है तो इसमें 2 तो 2 आई बनाएंगे, 3 में 3 आई, 1, 2, 3 तो ये तो एक जैसे। नेक्स्ट 4 है जो, उसमें क्या होता है? वी 4 किसके पास में है? 5 के, तो वी होता है 5 और वी में मतलब अगर पहले लगेगा तो वो माइनस होगा और इधर लगेगा तो ऐड होता जाएगा। जैसे वी में हमने 1 आई पहले लगाया तो क्या हो गया? वी में 1 माइनस कर देंगे तो क्या हुआ? 4। 5 में V रखेंगे। अब देखिए 6 में V और I तो क्या हो गया? 5 V 5 को डिनोट करता है और I 1 को, 5, 1, 6। नेक्स्ट 7, 5, 2, 7, 5, 3, 8 और 9 को X, 9 किसके पास में है? 10 के, तो 10 X लिखा और X में 1 माइनस कर दिया इक्वल 9 के। ओके, और 10 में X रखेंगे। अगर आपको ये 10 आ गई 1 to 10 तो आप और इजीली कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 11। 11 में क्या करेंगे? 11 किससे मिलकर बना है? 10 प्लस 1 से, तो 10 लिखा 1। 12 10 प्लस 2 तो 10 प्लस 2। 13 सेम 10 प्लस 3। 14 10 प्लस 4। 15 10 प्लस 5। आपको फिर 10 बढ़ रहा है तो 10 लगाना है, x लगाना है और सारी आपके 1 टू 10 तक हो जाएगी। इसी तरह 21 में 20 प्लस 1 है तो 20 किसका? 2 बार x लिखेंगे तो 1x10 हुआ, 1x10 हुआ और 1 आई लगा है तो 1 हो गया, तो 10 10 20 प्लस 1 21। सेम आपको दिख रहे हैं ना सभी? 30 के बाद 31 में क्या है? 30 प्लस 1 तो 3 बार x रखेंगे और 1। सेम प्रोसेस यही चलेगा आपको 39 40 जो है आपको किसके पास होता है? 50 से। 10 से तो बहुत दूर है 50 से, लेकिन और 50 हमने क्या बताया था अभी आपको? किससे डिनोट करता है? L से। किससे डिनोट करता है? L से। तो अगर L में हम 10 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 40। ओके स्टूडेंट, तो 40 को कैसे लिखेंगे? एक्स एल 41। अब किसके पास में है? 50 के, तो 50 को किससे डिनोट करते हैं? एल से।
एल में 10 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में 1 ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा। इसी तरह एल में एक्स है और 2 प्लस करेंगे तो 42। सेम प्रोसेस आपकी यही चलेगी। ओके स्टूडेंट, जैसे आप लोग अगर आपको 50 तक आ जाएंगे तो इसके बाद सेम प्रोसेस आपका 100 का है उसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एल हो गया, अब 60 पूछ रहा है तो 60 क्या करेंगे आप लोग, एल 50 के पास में तो 50 का एल करेंगे। देखिए जैसे सपोज करिए आपको 60 है तो 60 क्या है, एल हो गया और एक्स तो हो गया 60। इसी में 65 अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, एल और 5 है तो एल के बाद एक्स लगाएंगे, 60 हो गया और ओके 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है राइट इन रोमन न्यूमरल्स। आपको रोमन न्यूमरल्स जब आपके सिलेबस आएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन दे देगा एक्स 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 प्लस एक्स। अगर हम रोमन नंबर्स में नंबर से लिखेंगे और उनको ऐड करने को बोलता है तो हमने यहाँ एक्स 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 का मीन क्या है, यहाँ पर 10 10 10, तो ये क्या हो गया 30। प्लस का साइन है, प्लस करेंगे और ये सिंगल एक्स है तो इसका मीन 10, तो इक्वल क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 इक्वल 40। तो हमारा रोमन नंबर क्या है 40। ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ इसका नंबर हमारा 40। नेक्स्ट है एक्स एक्स, तो एक्स एक्स हो गए 20, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, और वी आई किसको डिनोट करता है 6 को, तो 20 में माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा 14, नंबर हमारे है 14। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैंने आपको 50 तक बताया है। नेक्स्ट आज का आपका होमवर्क है 1 to 100 रोमन न्यूमरल्स राइट इन रफ कॉपी। आपको 50 तक मैंने बताया हुआ है, 100 तक आपको आगे 50 आगे और लिखना है, तो 1 to 100 आपको अपनी रफ कॉपी में नोट राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड क्वेश्चन है राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। आपको ये क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। एक्स 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 माइनस एक्स एक्स 1v, तो आपको x क्या है मैंने अभी बताया 30 हो गया, माइनस का साइन है माइनस करेंगे, और फिर x x ये 20 और 4 तो 24, 30 में 24 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 6। तो ये आपको क्वेश्चन अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।